Sin aakhir rahman rahim assalam alaikum viewers I hope you are all well viewers this is mohammad fizan and the topic is class 9 chapter number 4 and exercise 4.2 jiska question hai hamare paas question number 14 ke do parts in dono questions ke liye agar ek formula aap log yaad kar lete hain to dono question easily aap log solve kar payenge theek hai so wo formula main aap logon ke liye likh leta hu ki kaun sa formula hai to us formula se pehle aap logon se ek guzarish hai ek request hai ki aap mere channel ko subscribe kar de more aise videos ke liye 9 10 se related and uske alawa conceptual questions bhi aate rahenge theek hai so I hope aap logon ko pasand aayega ab aate hain question 14 ki part number 1 ki taraf पार्ट नंबर वन के लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखें एक फॉर्मूला कौन सा है दोनों पार्ट्स के लिए ठीक है सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए माइनस बी सही है ये असल में होगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है तो ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ठीक है सो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए भी हम यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए भी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर सही है इसके बाद अगर बीच में प्लस हो तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ठीक है सो ये एक फॉर्मूला आप लोग ये वाला दोनों क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है सो ये आप लोगों को याद कर लेना है ठीक है अगर ये आप लोगों को याद हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे सो ये कोई एक फॉर्मूला सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारे पास यूज होगा सो अभी सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक बात समझाई थी क्वेश्चन जितने भी हम 13 तक कराएं कि हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस में हमें जो डिजिट दिया था जो वैल्यू दी गई हो फिर हमने उसके मुताबिक उसको लिख लेना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में फिर ए भी नहीं यूज होगा फिर हमारे पास एक्स वाई होगा ठीक है सो यहाँ पे भी ऐसे सिचुएशन होगी ठीक है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर करके लिखूंगा मतलब कि एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाएगा मतलब देखिए एक्स बराबर आगे ए के एंड वाई बराबर आ जाएगा बी के ठीक है तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आप लोगों ने कर लेनी है ठीक है एंड एक्स माइनस वाई फिर ए की जगह एक्स एंड बी की जगह वो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है सो ये फॉर्मूला आपके पास थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करना है तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले को चेंज करना आप लोगों को सिखा दिया ठीक है कैसे इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने क्यूब में लाना है ठीक है क्यूब में कैसे लाएंगे देखिए क्यूब में ऐसे लेंगे कि 8 किस चीज का होल क्यूब है 8 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 एंड 27 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27 सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 का x का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का y का होल क्यूब हो जाएगा तो अब आपके पास क्या है कि a 2x क्यूब है एंड b आपके पास क्या है माइनस 1 ओवर 3y होल क्यूब हो जाएगा सही है सो बस थोड़ी बहुत इस तरह चेंजिंग हो जाएगी आपके पास तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं सही आगे लेके चलेंगे हम इसको तो आई होप यहाँ पे तो आप लोगों को समझ आ चुकी है अब क्वेश्चन को चेंज करना है क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 1 ओवर 3y का होल क्यूब ये बात समझ ले कि ये क्या हुआ सिंप्लीफाई हुआ क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया ठीक है कि हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया है सही है सॉल्व का वर्ड आप लोग ठीक है सॉल्व हमने कर लिया तो इस जगह पर थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है इन दोनों जगह में और सारा वही है क्योंकि हमने होल क्यूब बनाना था जब होल क्यूब होगा पावर में क्यूब आएगा तो आप लोग इजीली उसको आगे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर है ठीक है अब इसके आगे लेके चलते हैं इसको आगे हमारे पास ए किस चीज के बराबर है 2x माइनस 1 ओवर 3y के बराबर है ठीक है एंड इसी तरह हमारे पास 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास ए भी है 2x भी आएगा और यहाँ पे 1 ओवर 3y भी आएगा ठीक है और आगे आपके पास क्या आ जाएगा बी की जगह 1 ओवर 3y ठीक है 1 ओवर 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा सो आप लोग इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव करके ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा क्लियर नजर आ जाएगा 1 ओवर 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अभी मेरे पास रिमूवर यहाँ पे पड़ा था लेकिन रिमूवर यहाँ पे था लेकिन थोड़ा सा ठीक है सो आई होप आप लोगों को समझ आ जाए कैसे हमें फॉर्मूले में चेंजिंग करनी है बस चीज याद रखने वाली वो ये है कि ए के बराबर 3x को रख देना है सॉरी 2x को एंड बी के बराबर आप लोग क्या रखेंगे 3y ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चंस के मैंने अभी तक क्या कर लिया सिर्फ फॉर्मूले चेंज किया अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को समझाता हूँ ठीक है इसकी सिंप्लीफिकेशन में आई होप आप लोगों को पता चल गया कि ए की जगह हमने क्या रखा ए इज इक्वल्स टू हमने एक्स की एंड बी इज इक्वल्स टू हमने वाई कर लिया ठीक है एंड उसके बाद इसी तरह चलता गया अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो जहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है वहाँ ये चीज पुट करेंगे कौन सी वाली चीज ये वाली चीज पुट कर लेनी है ठीक है और क्योंकि ये कह रहा है कि ये चीज बराबर है इस चीज के जब इक्वल का वर्ड आ गया तो इक्वल मीन के बराबर है ठीक है सो अब इस तरह वो आप लोगों को आगे इस तरह कर पाएंगे फिर आप लोग सो अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह क्या जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा एंड उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स वाई सॉरी प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों के पास माइनस
एक्स में माइनस कॉमन ले रहे हो, माइनस वन कॉमन ले लेते, ठीक है, मतलब कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले रहे हो, या रुके इसको रिमूव कर देता हूँ कि फिलहाल अगले स्टेप में रिमूव करा देता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास जो आएगा वो है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एंड इसमें से माइनस वन को कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से, सही है, सिर्फ इस टर्म में से, एंड अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अच्छा, मैंने कॉमन क्यों लिया, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, अगर समझो तो कमेंट बॉक्स में भी पीछे पूछ ले सकते थे कि ये देखें इन दोनों चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दी, जो आप लोगों को मार्क नजर आ रहा है ना, इन दोनों को मैंने सेम कर दिया, मतलब एक्स माइनस वाई को मैंने क्या कर दिया सेम, ताकि मैंने इन ये देखे टर्म कितनी है मेरे पास, असल में टर्म हमारे पास तब होती है जब हमारे पास साइन आ जाए, माइनस का साइन इन तीन, मतलब अभी तो एक दो तीन डिजिट्स हैं, लेकिन माइनस का साइन आ गया तो ये कितने टर्म्स हो गए हैं, अभी ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। सो इन दोनों टर्म में से जो मेरे पास चीज़ कॉमन आ रही है वो है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बच गया, एंड इसकी जगह क्या आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ माइनस वन, मतलब जब कोई चीज़ बाहर गई है तो उसके अलावा कोई चीज़ अंदर आएगी ना, तो मतलब कितने रखे मान, अगर इसकी जगह कुछ ना रखता तो जब हम एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ वन, तो वन के साथ एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई होता है एक्स माइनस वाई बना देंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होंगी, अगर नहीं समझ आती, अगर बहुत ही मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसको और इजी कर पाऊंगा और आप लोगों को, लेकिन आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को ईजिली समझ आ रहा होगा सिंप्लीफिकेशन इसकी, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर आ गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सही है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सो आपके पास ये क्या है आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें तो आप लोगों को आधी बात समझ आ गई कि फॉर्मूले तक हमने वैल्यू बना ली, तो फॉर्मूले तक वैल्यू बना लिया, अब इसके आगे कोई चीज़ है नहीं, तो हम लोग बस एट एक्स स्क्वेयर मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह सिंपल हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सो टू एक्स माइनस वन और थ्री वाई आ जाएगा, ठीक है, और साथ इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो उसके बाद आप लोगों के पास आएगा टू एक्स का होल स्क्वेयर प्लस टू एक्स वन और थ्री वाई आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों के पास प्लस वन और थ्री वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा बस, और हमारे पास ये, ठीक है। तो ये तो मैंने इसके आगे स्टेप लिख दिया था, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आएगी, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे बस, इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप है हमारे पास, एक स्टेप के बाद ही आप लोगों के पास इसका आंसर निकल आएगा, सही है। वो स्टेप ये है कि टू एक्स जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो आप हमने करनी है, वो वही इसी तरह आ जाएगा, एंड उसके बाद टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री वाई हो जाएगा, प्लस हम लिख लेंगे मान लो नाइन वाई स्क्वायर, सही है, क्योंकि इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया। सो ये आपके पास क्या है आंसर है, मैं दोबारा आंसर रिपीट कर दूँ तो टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री वाई आ जाएगा, एंड फोर एक्स ब्रैकेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू वाई, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, मतलब कि टू एक्स मल्टीप्लाई हो गया वन वाले के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं था वन था, तो वन जब मल्टीप्लाई था वही आंसर ले आता है। सो ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू की क्वेश्चन नंबर 14 के, सही है। सो क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर वन में हमारे पास कोई बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने वाला होता है, और वो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद हो चुकेगा, मैं फॉर्मूला नीचे भी लिख दूंगा ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें और अच्छे लोग इसे भूल लेने, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं ये, अगर अभी याद कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा, आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत फायदा देगा, सही है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 पे, अगर क्वेश्चन नंबर 15 हमने वीडियो डिवाइड की में तीन वीडियोस भी, क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसमें ट्रिक है लॉजिक है तो समझना उसके लिए जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।